370 का बिल, इतना बड़ा बिल, आपने अमेंडमेंट्स देने का टाइम नहीं दिया। आपने एक ही दिन में, मैं अमेंडमेंट्स उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ मैंने कहा, वोटिंग का डिमांड करा था, अलाउ नहीं किया बीजेपी ने। अब जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी की धज्जियां उड़ा चुके हैं। और मैं आज कह रहा हूं कि मुझे सख्त आपत्ति थी उस वक्त कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का संगे बुनियाद प्राइम मिनिस्टर क्यों करेंगे। इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। सरकार खुद नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट चले और इसीलिए आपने ख़त्म कर दिया, जबकि पार्लियामेंट को उसका 13 तारीख तक पार्लियामेंट चलना था। आपके जितने बिल्स थे आपने करवा लिए पूरे दिन में, उसके बाद बोला कि जाओ भाड़ में जाओ, हो गया हमारा काम। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर बीजेपी जब अपोजिशन में रहती है तो बीजेपी यही की 2004 से 2014 तक बीजेपी ने भी कई मरतबा पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलने नहीं दिया, पार्लियामेंट की कार्रवाई कई सेशंस ऐसे ही ख़राब हो गए जैसा आपने कहा। अब जब बीजेपी सत्ता में आई, अब दूसरे अपोजिशन तो है ही नहीं, तमाम अपोजिशन पार्टीज मिलकर इस सेशन में, पर्टिकुलरली सिर्फ इस सेशन में इस तरह का एक इम्पास पैदा हो गया। मसला क्यों खड़ा हुआ? मसला इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि सरकार पेगासस के ऊपर डिबेट नहीं करवाना चाहती थी। अगर सरकार कहती चलिए हम डिबेट कराने तैयार हैं, उसमें बड़ी बात क्या है भाई, 300 आपके पास एमपी हैं, छुपाने की बात क्या है? आप डिबेट करवा देते, आप डिबेट नहीं करवाना चाह रहे थे, बल्कि आप अपने ब्रूट मेजॉरिटी से दिन में पूरे गवर्नमेंट के बिल्स को आपने पास करवा दिया। जब आप बिल्स को पास करवाते तो आप डिबेट क्यों नहीं करवाना चाहते? अगर आप डिबेट करवा देते तो देश देखता, मगर आप ना तो इतने अहम बिल्स हैं जिस पर अपोजिशन को, अपोजिशन मेंबर्स अमेंडमेंट दिए बोलना चाह रहे थे, आपने दिन में उसको पास करवा दिया। दूसरी बात, बिल्स को आपने कहा कि सवाल ये पास हो गए, पिछले 7 साल में कितने बीजेपी ने पार्लियामेंट में बिल्स लाए और कितने वो डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी गए, कितने गए? नॉट, मैंने बिल्कुल बहुत कम। बीजेपी तो तैयार ही नहीं है स्टैंडिंग कमेटी को भिजाने के लिए। आप स्टैंडिंग कमेटी को भिजाइए ना, कितने बिल्स गए स्टैंडिंग कमेटी को? भाई स्टैंडिंग कमेटी किस लिए है? आप रिफर ही नहीं करते, बस हम लाए उसको पास करो, बुलडोज करो। 370 का बिल, इतना बड़ा बिल, आपने अमेंडमेंट्स देने का टाइम नहीं दिया। आपने एक ही दिन में, मैं अमेंडमेंट्स उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ मैंने कहा, वोटिंग का डिमांड करा था, अलाउ नहीं किया बीजेपी ने। तो ये तो गवर्नमेंट को भी तो मैग्नानिमस होना चाहिए ना। यकीनन तकलीफ होती है अगर पार्लियामेंट नहीं चलता है, यकीनन बड़ी मायूसी होती है कि बहसियत एक एमपी हम सरकार को एक्सपोज नहीं कर पाते। और हमारी एक जिम्मेदारी है जनता की तरफ से कि हम उन जाकर सरकार से सवालात करें, उनकी गलतियों को देश के सामने लेकर आए। मगर यहाँ पर सरकार ही खुद खुश है कि पार्लियामेंट नहीं चले। आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलाते? अच्छा, तीसरी बात, ओबीसी का एनसीबीसी का बिल आया, सब क्यों एक हो गए भाई? ये समझ में नहीं है हमको, सरकार अपोजिशन एक हो गए, क्यों एक हुए? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रदेश उत्तर प्रदेश के, वहां पर इनको दिखाना है। तो क्या दूसरे मुद्दे अहम नहीं है क्या देश के लिए? सिर्फ चुनाव अहम रहेगा तो इससे तो जो अपोजिशन पार्टीज राजी हुए और जो सत्ता में बीजेपी राजी है तो वो लोग एक्सपोज हो गए ना अपने आप को। एनसीबीसी का बिल आएगा तो पार्लियामेंट चलेगा, दूसरे मुद्दों पर नहीं चलेगा, ये क्या बात है जिसमें सरकार भी राजी होगी और अपोजिशन भी राजी होगी? ओबीसी का फायदा है ना सर, ओबीसी, वही तो हम कह रहे हैं। तो क्या आप हर चीज को क्या इलेक्शन के एंगल से देखेंगे? क्या देश का कंस्ट्रक्शन सिर्फ इलेक्शन से होता है? देश का कंस्ट्रक्शन हेल्थी डिबेट से नहीं होगा, देश का कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट में अपोजिशन के चुपते हुए सवालात से नहीं होगा? तो यही तो हम बता रहे हैं कि ये सरकार भी नहीं चाह रही थी पार्लियामेंट चले। अगर जब एनसीबीसी के बिल पर पार्लियामेंट चलती है
30-35 से ज्यादा एमपीज अपनी अपनी बात को रख सकते हैं रूलिंग पार्टी से और ट्रेजरी बेंचेस से और अपोजिशन, तो फिर आपने डिबेट क्यों नहीं करवाया? यही तो इनकी हिपोक्रेसी है। और देश देखकर लोग हमको ताज्जुब, लोग हमसे सवाल करें कि इतने दिन नहीं चला, आज आप क्यों चला रहे हैं? आपने बता दिया जनता को कि पार्लियामेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए। आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल, पार्लियामेंट का बुनियादी मकसद क्या है, आप उसी को हम भूल चुके हैं। और यकीनन ये बहुत खराब बात है कि पार्लियामेंट नहीं चला। ये पार्लियामेंट नहीं चलना, ये हम पार्लियामेंटेरियंस के लिए, सबके लिए तकलीफदेह बात है। और बीजेपी के एक लेट बहुत बड़े लीडर थे जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को चलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आकर कह देते कि मैं तैयार हूँ पेगासस पे, चलिए बहस करते हैं, आइए बहस करते हैं, अगर प्रधानमंत्री आकर कह देते कि चलिए हम दोबारा फिर से फार्म लॉस पर, आपकी क्या बात है बताइए, हम करते हैं। कई तरीके हैं ना डिबेट करवाने के, कई रूल्स हैं, कई तरीके से आप करा सकते। आप तो तैयार ही नहीं है। आप एक बीजेपी ये कह रही है कि बस हम जैसा चाहेंगे वैसा संसद चलेगा। संसद तो ना बीजेपी का है, ना असदुद्दीन ओवैसी का है, ना किसी और पार्टी का, संसद तो पूरे पार्टीज का है। पार्लियामेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव की नहीं है ना, पार्लियामेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स में खुद एक अलहदा चीज़ है। अब जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी की धज्जियां उड़ा चुके हैं। और मैं आज कह रहा हूं कि मुझे सख्त आपत्ति थी उस वक्त कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का संगे बुनियाद प्राइम मिनिस्टर क्यों करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा दिया कि अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर भी हावी हो चुका है। क्यों? पार्लियामेंट अलग है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है। एक एग्जीक्यूटिव कैसा आकर पार्लियामेंट की बिल्डिंग का बुनियाद करेगा? मेरा मानना, पैसे भाई आपको बजट का, बजट कौन बनाता है? पार्लियामेंट का बजट अलग होता है, फिर वो कैसा तय करेंगे? पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है, पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है। ये तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है हमारे। अगर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का अगर किसी को उसका फाउंडेशन डालना था तो स्पीकर ओम बिरला को करना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री को। बल्कि प्रधानमंत्री ने करके बता दिया कि अब एग्जीक्यूटिव ही जो चाहेगा चलेगा, तो वही देख रहे हैं हम लोग। आपके पास 300 एमपी है, ये देखिए पावर इटरनल नहीं होता। आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल आप नहीं रहेंगे, कोई और बनेगा। तो आपने तो एक प्रेसिडेंट डाल दिया ना, एक रिवायत डाल दी आपने, कल वो करें आपने किया था। इससे पार्लियामेंट की जो खूबसूरती, पार्लियामेंट का जो विखार है, इन्हीं चीजों से मुतासिर हो रहा है। पर सर 98 आवर्स में से सिर्फ 21 आवर्स लोकसभा चला है और जो सरकार है वो कह रही है कि ओपोजिशन, वो 21 आवर्स में से तो 8-9 घंटे तो सिर्फ एनसीबीसी के डिबेट में चले गए। मेरा बोलना यह है कि जब आप एनसीबीसी बिल के ऊपर जब सरकार और अपोजिशन राजी हो गए तो दूसरे मुद्दों पर क्यों राजी नहीं हुए? किसान पे भी बात करना चाह रहे थे राजन, फिर किसान पे भी कोई करने के लिए तैयारी नहीं। आप डिबेट नहीं करवाना चाह रहे ना? अरे घड़ी थे, देखिए दूसरे हाउस की, मैं राज्यसभा की नहीं जानता, मैं लोकसभा की आपसे कह रहा हूं। अगर सरकार कहती कि हम कल ये डिबेट कराएंगे, आप बीएससी में डाल दीजिए उसको और बोल दीजिए शुरू हो जाएगा। आप तो सुनने ही तैयार नहीं है ना अपोजिशन में, कितने बातों पे ये बिल्कुल, लेकिन जैसे पार्लियामेंट में आते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सरकार खुद नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट चले और इसीलिए आपने खत्म कर दिया, जबकि पार्लियामेंट को उसका 13 तारीख तक पार्लियामेंट चलना था। आपके जितने बिल्स थे आपने करवा लिए पूरे दिन में, उसके बाद बोला कि जाओ भाड़ में जाओ, हो गया हमारा काम। सरकार खुद नहीं चाहती पार्लियामेंट चले, सरकार पार्लियामेंट में क्रिटिसिज्म को सुनने तैयार ही नहीं है। सर एक और खास बात हुई, ये बार जब पार्लियामेंट हुआ तो पूरे अपोजिशन पार्टीज कपिल सिब्बल के घर पे जो है डिनर पे गए, उन्होंने सब पार्टीज को बुलाया। तो आप इतने इम्पोर्टेंट लीडर है, आपकी बात काफी अहमियत रखती है, तो आप क्यों नहीं है सर उसमें, क्यों आपको, क्या आपको एक अनटचेबल कहा जा रहा है? अरे सुनिए, ये एक प्राइवेट पार्टी थी। मेरी नेक तमन्नाएं जनाब कपिल सिब्बल के साथ हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको और खुशियां दे। अरे भाई
उनके घर में वो किसी को बुला सकते हैं, मुझे नहीं बुलाए तो मुझे किस बात की तकलीफ है? ये जो ना ना ना, ना बीजेपी के खिलाफ सभी नहीं नहीं अरे भाई वो समझ जाए नहीं 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 नहीं, कपिल सिब्बल साहब अपने घर में किसको मेहमान बनाना वो उनका इख्तियार है, हम तो सिर्फ खुश हैं और हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उनको और सेहत दे और वो और आगे बढ़े। मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन जब पूरा एक हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, तो आप तो पहले से डे वन से बीजेपी के खिलाफ है, तो आपको क्यों नहीं शामिल किया जाता, आपके आइडियाज क्यों नहीं दिए जाते? नहीं मैं क्या बताऊँ उस बारे में, मैं तो ना तो किसी के नाश्ते का मोहताज हूँ, ना ब्रेकफास्ट का मोहताज हूँ, ना किसी के घर के दावत का मोहताज हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह का मोहताज था मोहताज हूँ और जनता का मोहताज हूँ बस। मेरे सर से या कोई सींग तो नहीं निकलेगा ना अगर मैं किसी के घर पे जाके ब्रेकफास्ट कर लूँ। नहीं नहीं मुझे अरे ठीक है ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब NCBC क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ OBC उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सरकार को तकलीफ हो गई, उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने रखकर रोका कि चलो करवा दो, और महाराष्ट्र में उनको वहां पर भी उनको बड़ा तकलीफ हो रही है। अरे भाई आप पेगेसिस भी इंपॉर्टेंट है, फार्म लॉस भी इंपॉर्टेंट है, कई चीजें क्वेश्चन आवर इंपॉर्टेंट है। मेरे 3 क्वेश्चन 11 से 12 तक क्वेश्चन होता है, हर MP की ख्वाहिश होती है कि भाई ड्रॉ में पिछले फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में मेरा नाम आ जाए, मेरे 3 क्वेश्चन बर्बाद हो गए, इतने अहम क्वेश्चन मेरे क्या कई चीजों पे थे। एक तो एकेडमी में जो लोग हादसे का शिकार होते हैं, फ्राइडे के दिन मेरा 2nd क्वेश्चन था, हर MP एक तड़पता यार पहले 6 क्वेश्चन हम नाम आ जाए हमारा, नहीं एडजर्न मोशन छोड़िए क्वेश्चन आवर चला गया, कितने क्वेश्चन आवर चले गए? अच्छा क्वेश्चन आवर कैसे चला रहे हैं, एक तरफ अपोजिशन चीखे मार रहा है और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ रूलिंग पार्टी के, ये तो ठीक तरीका नहीं है ना। ये तो भारत की डेमोक्रेसी का अगर लोगों जनता के सामने गलत मैसेज जा रहा है। सर उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, एकदम सर पे आ गया है, अभी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि लैला अपने पत्ते अभी तक नहीं चाहिए, कब तक अपने पत्ते खोलेंगे, कितनी नहीं नहीं देखिए आप गलत कह रहे हैं, लैला के में ही दीवानगी है, लैला को देखने में लैला के हर बात पे दीवानगी हो रही है, लैला के हर चीज पर दीवाने हो रहे हैं, तो पत्ते खोलने की क्या जरूरत है, लैला सबके सामने है। अभी तो अरे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बशमूल हमारी ये इतनी जल्दी ये बात को नहीं कहेगी, जब सही टाइम आएगा आपको बताएंगे। सर आपके दोस्त राजभर जाके स्वतंत्र देव से भी मिल के आए? देखिए राजभर ओम प्रकाश राजभर साहब जो संकल्प मोर्चा बना है MIM पार्टी उसका हिस्सा है, उन्होंने जो बयान जो दिया था उस पर हमको ऑब्जेक्शन है, बाद में राजभर साहब ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो BJP के साथ नहीं जाएंगे। तीसरी बात यह कि मेरी ओम प्रकाश राजभर साहब से बात नहीं हुई है, मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा और बात करके हमारी जो बात है हम क्यों संकल्प मोर्चा में आए कि हम योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से रोकेंगे, लेकिन वो जाके नहीं बाद में उन्होंने अपनी बात को ये कहा भी है, मैं जब पर्सनली उनसे बात कर लूँगा फिर आपके सामने आपके आके कहूँगा। मैं लोकसभा का मेम्बर हूँ, लोकसभा में जो कुछ भी हुआ है वो तकलीफ देह है, और मेरे मरहूम वालिद ने जब वो MP थे इसी तरह का इम्पास और चल रहा था, गड़बड़ हो रही थी, तो उन्होंने एक शेर कहा था, किसी और शायर का था मुझे याद नहीं आ रहा, हमारे मरहूम वालिद ने कहा था कि इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूँ, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूँ। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।